अभी तो बोल सकता हूँ देख लिए। वैसे मैंने इनका रिहर्सल देख लिया था गोंडल में जब ये रिहर्स कर रहे थे। वैसे एक ही सवाल मेरा उस वक्त भी था कि अगर आप स्टेज के ऊपर लाइन अगर आप भूल जाते हैं तो क्या होता है? जैसे हम लोग के रिटेक्स हो जाते हैं, अरे को भूल जाए। जैसे इनके भी काफी होते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जब हम लोग शूटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिगनिंग से लेके एंड तक एक ही फ्लो में इमोशन के साथ नो कट के अंदर बोलते जाना, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट ऑफ एक्टिंग एवर। सर, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सलमान सर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहूंगा, पूरा तो बोलने तो अभी तो आगे तारीफ करने वाले हैं। तारीफ जल्दी, जो प्ले जो मैंने देखा है एक फीलिंग देता है कि नो मैटर आप कहाँ जा रहे हो जिंदगी के अंदर, यू गो थ्रू लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस कहीं पर भी, बट एंड में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपको एक्चुअली प्रॉमिस करता है ये प्ले कि अगर आपका प्यार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप बिछड़ गए, आपकी लाइफ अलग, बट एंड में जाके सब ठीक हो जाता है। एवरीथिंग कम्स अराउंड सर्कल एंड एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, यू नो पीपल यू मीट यू नो इन योर लाइफ एज वेल, दे कम एंड दे सर्व अ पर्पस एंड दे टीच यू एंड गो, एंड आई जस्ट फील के सच अ ब्यूटिफुल प्ले, एवरीवन शुड कम एंड वॉच because it just tells you that don't worry, he's there, yeah, sab theek ho jayega, and you have to eventually make the decision, okay, right? What is it, unhappiness or happiness? And always choose happiness, and that's what this play talks about. कुछ मौके आएंगे, आगे मौके मिलेंगे मुझे, जिस हिसाब से मैं जा रहा हूँ मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा, मुझे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब वही होता है जो मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। सलमान, अगर आपको कभी प्ले करने का मौका मिले तो वो कौन सा टॉपिक पर होगा, कुछ बताना चाहेंगे? अगर आई होप कि कभी मौका नहीं मिले क्योंकि इस मीडियम में मैं फेल हो जाऊंगा, जहाँ पर चल रहा हूँ अच्छा चल रहा हूँ और उस उसी की इज्जत करूँ और उसी को रिस्पेक्ट करो, वहीं पर मेहनत करते जाओ, वहीं पर चलते जाओ। सब 17 को बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आपने ट्रेलर देखा पिक्चर के बारे में? मैं जब मुझे सलमान ने 5 मिनट के अंदर इस फिल्म की कहानी सुनाई थी और मेरे रोंगटे खड़े हुए थे अभी भी देखिए और आंख में आंसू आए और इतनी खूबसूरत, और फिर जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। उसके बाद पहले तो बजरंगी भाईजान आएगी, वो जालिम है वो, उसके बाद मैंने इंटरवल तक प्रेम रतन धन पायो की डबिंग कर ली, वो भगवान की दया से टच वुड, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी आल्सो द अल्टीमेट फिल्म सूरज बड़जात्या की है, सूरज और सलमान का जो कॉम्बिनेशन है। अभी अल्टीमेट ही करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, काम नहीं करना। सलमान सर, फैंस इंतजार कर रहे हैं, कितना नर्वस है 17 तारीख को लेकर? 17 तारीख को लेकर बिल्कुल ही नर्वस नहीं क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को जाके देखें ताकि जितने लोग जाके देखेंगे हम पता चलेगा कि ये देश किस राह पर चल रहा है, यू नो अमल प्यार मोहब्बत, यू नो लव स्प्रेडिंग लव नोबिलिटी अगर किस दिशा में चल रहा है, विद बीइंग नॉर्मल विद एंटरटेनिंग विद हैविंग इमोशंस एंड जस्ट बी टुगेदर बीइंग ह्यूमन, देन आई थिंक दैट वी आर नॉट वेरी ट्राइंग, सो द फुटफॉल्स इन द थिएटर will prove which way we're going. Sir, aaj film Bahubali bhi release hui hai, jisme 50. Oh my God, that film is supposed to be like something else. Only I've seen the promo, and I've known Rana since the longest time, and he's done a superb job. His father has written the story for Bachchan Ki Bhaijaan. Yeah. Achha, yeah. Business, yeah.
I'm really happy that Bahubali has done really well. And today, Rana will realize that why I used to tell him to act. He wanted to be a software engineer. ईद की मुबारक आप सबको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं नहीं अभी जाके देखूंगा प्लान का टीजर लेकिन देखने से पहले ये कहता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी सुपर